हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS09 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने पिछले 15 इयर्स का क्वेश्चंस का एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में जो जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मीडियम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। और इन सबको अगर आप कर लोगे तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने 1, 2, MS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का तो छोड़ दो, फिर 9 का भी मैं बना रहा हूँ। MS 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। और MS 8 का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि MS 8 में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो मैं सोल्व कर करके उनको अपलोड कर रहा हूँ अपने इसमें चैनल के ऊपर, और उसकी पूरी यूनिटों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लंबी लंबी वीडियो बनाई हुई है एज ए टीचिंग, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए समझना। तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर, अगर MS 8 आपका भी रुका हुआ है तो उसको आप कर सकते हैं। तो अभी हम MS 9 के, क्योंकि मैं उन वीडियो वे वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ जिनके ऊपर कॉमेंट आ रहे हैं कि हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी कोड के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा कि इस कोड के ऊपर वीडियो बनाया जाए उसी के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, तो आप कमेंट में बताएं कि हमें इस कोड के ऊपर वीडियो चाहिए। और सबसे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। अगर आप भी MBA कर रहे हैं या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 6-7 दिन मैंने इसको एनालाइज किया, प्रिंट आउट निकाला पूरे पेपर्स का, फिर उसके बाद में जो है मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसके बनाने में वीडियो को कितना मेहनत किया है। और प्लीज़ यार, इस मेहनत के लिए लाइक करो, क्योंकि MBA के स्टूडेंट बहुत कम है। कम होने के बाद भी जिस वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है MS 9 के जो क्वेश्चन हैं, मैंने ऐसे किया है जो जितनी बार क्वेश्चन आया उसी को नीचे उसके बाद उसको लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन है 2-3 बार आया है, फिर उसको मैंने इम्पोर्टेंट किया है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे बनाया है मैंने क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 बार आया है, ठीक है। ये 2-3 बार आया है तो इसको मैंने इम्पोर्टेंट किया है। ये 2 बार बैरियर ऑफ एंट्री ऐसे करके, ठीक है। ये 1 बार ही आया था किंग डिमांड कर वाला, तो इसलिए इसको छोड़ा है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाला भी आया था, जो एक एक बार आया उसको अलग लिखा, जो 2-3 दिन बार आया उसको अलग लिखा। देखो ये 2 बार आया, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आया है, 3 चॉइस प्रॉब्लम, तो इसको मैंने इम्पोर्टेंट किया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही जो ऑल इंगोपोलिस्टिक कंपटीशन है कई बार आ चुका है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट किया है। और डिमांड फंक्शन कर्व जो है वो भी बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट किया है। उसके बाद फंक्शनल, ये प्रोडक्ट फंक्शन भी कई बार 3-4 बार आ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट किया है। स्टैटिकल एनालिसिस भी कई बार आया है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट किया है। तो इस तरीके से मैंने जो है, और ये शॉर्ट नोट है यहाँ पे, इस तरीके से क्या है, मैंने पूरा मेहनत किया है, एनालाइज किया है कि पूरा एनालाइज करने के बाद 15 इयर्स का क्वेश्चन डाउनलोड, प्रिंट आउट एंड फिर उसको असेंबल करके लिखना कि कौन सा क्वेश्चन कितने ज़्यादा बार आया। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और मीडियम रेंज में क्वेश्चन कौन से हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि जो ये फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ये 11 क्वेश्चन हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं, हर बार आए हैं, इसी में से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो ये इंपॉर्टेंट लिखा है ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं लेकिन ये थोड़ा कम आए हैं, तो इसलिए इनको भी अगर हो सकता है टाइम तो मिल कर लेना है। अगर आप वीडियो को काफ़ी पहले देख रहे हैं तो इनको करने के बाद इनको कंप्लीट कर लोगे तो अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्ट नोट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है रिग्रेशन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ रहा है तो इसको करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बार बार आ रहा है, इसको करना है। नेचर ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, कितने टाइप के कंपटीशन है और वो उसके बारे में पूछता है तो उसको करना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बार बार आ रहा है, उसकी नेचर और स्कोप वगैरह पूछता है। बैरियर ऑफ एंट्री बार बार आ रहा है, ये भी इसको भी करना है। ऑल इंगोपोलिस्टिक कंपटीशंस है, वो कई बार आया, मैंने आपको दिखा दिया है, उसको भी करना है। डिमांड फंक्शन विद वेरिएबल आता है कि वेरिएबल्स के साथ बताओ, एग्जाम्पल्स के साथ बताओ, तो वेरिएबल और उसके एग्जाम्पल्स पक्का कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट फंक्शन विद वेरिएबल पक्का कर लेना है। स्टैटिकल एनालिसिस पक्का कर लेना है।
इसके अंदर लिमिटेशन वगैरह पूछता है, ठीक है। कोस्ट फंक्शन को पक्का कर लेना है। थ्री चॉइस जो प्रॉब्लम है, दो तीन बार आया क्वेश्चन, ये भी आपको पक्का कर लेना है। उसके बाद जो एक एक बार आए हैं ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मिलना है ये तो करने ही करने, इनको छोड़ना नहीं है। जो 11 क्वेश्चन है इसमें से आपको तीन या चार क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे एग्जाम में चॉइस भी मिलता है कि आप मान लिया आपको पाँच, आपको छः सात क्वेश्चन दे दिया, आपको बोलेगा पाँच करो या चार करो, तो उसमें से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं सभी जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक एक बार ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आपको टाइम मिलता है तो ये भी पक्का करना। जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन और सर्वे मेथड डिमांड के लिए क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कर लेना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स जो है एडम स्मिथ के द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करो, ब्रीफ एक्सरसाइज बताओ, आ जाता है। थ्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। किंग डिमांड कर्व काफ़ी आता है, ठीक है, तो इसको कर लेना, छोड़ना नहीं है। एक एक बार ये आया था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू IR में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, वर्सेस एक दूसरे के बारे में। ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स क्या है, ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी फर्म्स के, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन। ये सभी MS के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसी में नहीं आता, दूसरे में भी पूछ लेता है। MS 1, 2, 3, 4 किसी में भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि किसी फॉर्म के क्या हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मार्केटिंग अप्रोच, जो मार्केटिंग अप्रोच है जो डिमांड मेजरमेंट की, उसके बारे में बताइए। तो ये सभी थे इधर वाले, एक वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना। ये भी आए हुए हैं इसमें जो मैंने बोला है कि ये काफ़ी आ रहे हैं, तो उनको कर लेना है। उसके बाद चलो मैं शॉर्ट नोट के बारे में बताता हूँ। कार्टेल्स के बारे में शॉर्ट नोट आता है, बाउंडिंग के बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पक्का आता है इनमें से। कॉस्ट को कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट है उनके बीच में डिफरेंस जो होता है ना धीरे धीरे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको कर लेना है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी आता है, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी भी आता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल्स आता है, ठीक है। और इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने इसको लिखा है दो तीन बार, शॉर्ट नोट में आ चुका है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है इसको कर लेना है, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप भी, इकोनॉमी ऑफ स्कोप कर लेना है, ठीक है। तो इक्वी मार्जिनल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। और ये आर्क इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी इसको कर लेना है, काफ़ी है। और ये कॉस्टों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आता है कई बार, जो है ऐसा होता है कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताइए, जैसे इकोनॉमिक इफिशियंसी और टेक्निकल इफिशियंसी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस कई बार आ चुका है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको देख लेना है। काउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। डेरिवेटिव, ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये दो जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है, दो बार दो तीन बार आए हैं तो इसलिए इन पर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। ये थी हमारी जो है MS 09 की इम्पोर्टेंट वीडियो, क्वेश्चन के ऊपर वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि जैसे पिछली वीडियो बनाई है कि मैं यूनिट वाइज बताऊँ कि कहाँ कौन सी यूनिट में कौन कौन सा आपको करना है, अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो प्लीज़ यार कॉमेंट करो, मैं उसी तरीके से यूनिट के अंदर आपको ढूंढ के दूंगा कि इस चैप्टर में से ये आ रहे हैं दो चीज़ें, अगले चैप्टर में से वो दो चीज़ें आ रही है। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खास खास चीज़ें पढ़ना है और उसके बाद जो है आप पूरे मार्क्स उसमें लेके आओगे। तो काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में यार, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। MBA के स्टूडेंट होके आप लाइक करने में इतनी कंजूसी करोगे तो कैसे होगा। ये कोई वीडियो ऐसी नहीं कि सभी इसको देखें और चल दें, स्पेशली यार आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। और बताओ कि मैं अगली वीडियो कौन से कोड पे लेके आऊँ ताकि आपको अच्छा लगे। और अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, और उसको मैं ब्रीफ करूँगा एक एक क्वेश्चन को आगे चल के धीरे धीरे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ यार फ्यूचर के लिए, अपडेट के लिए आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और पक्का बताओ कि आगे वीडियो जो है किस चैनल किस कोड के ऊपर चाहिए और आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट के अंदर जाके बताऊं कि ये यहाँ पे ये यूनिटी से ये चीज़ें आपको करनी है, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़
बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।